नागपुर के सुप्रसिद्ध अल जमजम रेस्टोरेंट की शाखा अब चंद्रपुर में भी, होटल अल जमजम गैलेक्सी। वेज, नॉनवेज और चाइनीज खाने के लिए आलिशान फैमिली रेस्टोरेंट, साथ ही अल जमजम सेलिब्रेशन लॉन, शादी पार्टी, बर्थडे और किसी भी मीटिंग या समारोह के लिए सर्वोत्तम स्वाद और सेवा की गारंटी। जोमैटो, स्विगी और फूडीज द्वारा होम डिलीवरी उपलब्ध। संपर्क करें मोहम्मद जुबैर, बुरटकर सभागृह के बाजू, मारुति शोरूम के पास, नागपुर रोड, चंद्रपुर। मोबाइल नंबर 9552271186, 9322899635। राजनीतिक विवाद के बीच शहर के मौलाना अबुल कलाम आजाद गार्डन के लोकार्पण के 2 सप्ताह के भीतर ही ठेकेदार द्वारा किए गए कार्य की पोल खुल गई है। देखरेख के अभाव में चंद दिनों में ही गार्डन की खस्ता हाल दिख रही है। शहर के आजाद गार्डन का जायजा लेने पर कुछ झूले टूटे दिखे, पौधे मुरझाते नजर आए, गार्डन में लगाई गई लाइटिंग के वायर बाहर खुले में नजर आ रहे हैं, मार्बल की फर्श वहीं टूटी हालत में है, वहीं कुछ स्थानों पर शराब की बोतलें पड़ी मिली। आजाद गार्डन के पिछले हिस्से का काम शुक्रवार को भी जारी दिखा। कुल मिलाकर ठेकेदार द्वारा किए गए कार्य की और मनपा पदाधिकारियों और वर्ग के आकर्षक गार्डन के दावों की पोल खुल गई है। गौरतलब है कि मनपा ने करीब 6 करोड़ रुपए खर्च कर आजाद गार्डन का सौंदर्यीकरण किया है। सुबह से शाम तक यहां भीड़ रहती है, लेकिन तमाम बड़े बड़े दावों के बावजूद बच्चों के मनोरंजन के लिए लगाए गए झूले टूटे फूटे हैं। देखरेख की जिम्मेदारी ठेकेदार की है, लेकिन ठेकेदार की उदासीनता और लगाई गई सामग्री की गुणवत्ता के चलते गार्डन की रंगत उड़ रही है। गार्डन में पौधे मुरझाते और पेड़ टूटे नजर आ रहे हैं, मार्बल की फर्श टूट गई है, लाइटिंग के वायर बाहर खुले होने से कभी भी दुर्घटना हो सकती है। वहीं जगह जगह बिखरा कचरा सफाई व्यवस्था की पोल खुल रहा है, वहीं कुछ हिस्से का काम अभी भी होना बाकी है। वहीं गार्डन के काम में भ्रष्टाचार होने का आरोप भ्रष्टाचार विरोधी जन आंदोलन न्यास ने कुछ ही दिन पूर्व लगाया था। निर्माण कार्य को लेकर कई सवाल उठाते हुए स्ट्रक्चर ऑडिट करने की मांग मनपा आयुक्त से की गई थी। उधर गार्डन के पिछले क्षेत्र के गेट के पास का कुछ काम अभी भी बाकी है, अधूरे काम में लोकार्पण की जल्दबाजी पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं, जिससे ठेकेदार द्वारा किए गए कार्य की और मनपा पदाधिकारियों के दावों की पोल खुल गई है। गार्डन के पिछले हिस्से का काम अभी भी चल रहा है, जिससे लोगों में चर्चा है कि गार्डन का काम पूरा होने से पहले ही क्यों लोकार्पण किया गया। वहीं जल्दबाजी के चक्कर में घटिया दर्जे की सामग्री का उपयोग तो नहीं किया गया, ये सवाल शहर के नागरिकों द्वारा उठाया जा रहा है। लोकार्पण के 2 सप्ताह के भीतर ही गार्डन के अंदर शराब की खाली बोतलें नजर आ रही हैं, जिन्हें देखते ही पता चलता है कि इस्तेमाल के बाद उन्हें फेंक दिया गया है, जिससे ये सवाल उठ रहा है कि गार्डन में बोतलें कैसे आईं।